आज आम आदमी पार्टी जिला पानीपत द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विकास के मुद्दे पर बीजेपी विधायक प्रमोद बिज्जी द्वारा की गई विकास की घोषणाओं की समीक्षा की गई। इस मौके पर जौन प्रवक्ता अजय शर्मा ने बताया कि विधायक लोगों को इन घोषणाओं को पूरा करने का समय बताएं तथा जो पहले 2 साल से लंबित पड़े हुए अधूरे कार्य हैं उनका विवरण दें। शहर में जो लाइट घोटाला है, रजिस्ट्री घोटाला आदि हुए हैं, उन पर कब जांच होगी? शहर में आवारा पशुओं को कब गौशाला में भेजा जाएगा? सर्दियां आने वाली हैं, विधायक शहर को बताए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इन्होंने क्या कुछ तैयारी की है। बाजार में लगातार अतिक्रमण के मुद्दे पर विधायक उल्टा कानून तोड़ने वाले के पक्ष में दिखाई देते हैं। शहर में निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कब कार्रवाई की जाएगी? क्या सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने मात्र से ही विकास हो जाएगा? इन सभी मुद्दों पर पार्टी ने विधायक से पार्टी की तरफ से जवाब मांगा। पूरे कोरोना काल में उनका खोया था पता नहीं चला। इवन देने आम आदमी पार्टी की तरफ से उनकी गुमशुदगी के पोस्टर भी बढ़वा दिए थे हमने। शुक्र है कल वो नजर आए कम से कम शहर को। और जो कोरोना काल में 1600 रुपए फीस उन लोगों ने कर दी है भाई, जांच के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1600 रुपए निर्धारित कर दिए। जो कोरोना के केस में डेली 300 केस आ रहे थे, डेली 500 केस आ रहे थे, वे अब 20 पा गए हैं, 10 पा गए। कारण क्या है कि जांच नहीं हो रही। तो एक तो कोरोना के मुद्दे पे शहर का जो विधायक है पूरी तरीके से फैल रहा है, 0 नंबर आए हैं उसके। अगला दूसरा मैं बताता हूं, कल बात की भाई बड़े बड़े टेंडर दिए गए हैं कंपनियों को शहर की कंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। पहली बात तो मैं विधायक साहब से पूछना चाहूंगा कि उनको सार्वजनिक किया जाए कितने रुपए का टेंडर किन कंपनियों को दिया गया है, ताकि शहर की जनता को पता चले कि कितना पैसा एक्चुअल में अलॉट हुआ है और कितना पैसा खर्च किया जाएगा। दूसरी बात मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इतने बड़े लेवल का अगर विकास का एक रोडमैप उन लोगों ने बनाया है तो क्या शहर के लोगों के सुझाव नहीं लिए जाने चाहिए थे? इतने बड़े शहर में कोई डॉक्टर भी है, कोई इंजीनियर भी है, कोई टीचर भी है, हर वर्ग है, व्यापारी वर्ग भी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक भी हैं। क्या उनसे एक बार राय नहीं लेनी चाहिए भाई हम ये प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, इसको और बेटर किस तरीके से किया जाए? मेरे हिसाब से लोकतंत्र की जो महिमा होती है, लोकतंत्र का जो सौंदर्य होता है, वो यही होता है कि लोगों से पूछ के उनके लिए काम किया जाए। इसके अलावा कल कॉन्फ्रेंस में विधायक साहब ने बोला है कि हमने नई लाइट लेके आए, सच ए ब्यूटीफुल लाइट, देखते हैं कितनी ब्यूटीफुल है। पहली बात तो कितने रुपए की लाइट ले गए हैं पूरे शहर को बताएं एक बार कॉन्फ्रेंस करके, एक बार भाई कितने रुपए आपने खर्च किए हैं उसके ऊपर। और दूसरी बात, कल क्वेश्चन उठा था भाई पुरानी लाइटें जो थी उन्हीं के लोग कहने वाले थे एक जी वे घटिया क्वालिटी की लगाई गई है, बेकार लगाई गई। विधायक साहब की जुबान थी भाई हमें नहीं पता पिछले में क्या हुआ, गलत हुआ है, लेकिन जो कुछ भी किया गया है, जो भी पहले मेयर था अभी भी नहीं की पार्टी का है, इससे पहले भी नहीं की पार्टी से थी, अगर गलत हुआ है वाक्य में विधायक एक्सेप्ट करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो क्यों ना उस पर जांच की जाए? फिर इसका मतलब फिर भ्रष्टाचार हुआ है पैसों का। अगर अच्छी क्वालिटी नहीं मिली और पैसे लिए गए हैं निगम से, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार किया गया है, प्रॉपर तरीके से डील नहीं किया गया है, उसकी जांच करें विधायक, उस पर मौन क्यों है? इसके अलावा एक 80 लाख रुपए की सफाई की मशीन ली गई थी जो विधायक साहब ने उद्घाटन किया था, मेयर नहीं गई थी जिसमें। मैं पूछना चाहता हूं कि वो मशीन कहां सफाई करती है आजकल? आजकल उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, मुझे तो एक भी जगह दिखाई नहीं देती है कि वो कहां जा रही है, कहां सफाई कर रही है, उस पर जवाब दिया जाना चाहिए। इसके अलावा शहर में JBM कंपनी है, सफाई का ठेका दे रखे हैं। पहली बात मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पूरे दुनिया में JBM कंपनी सफाई करती है? जहां JBM नहीं है वहां सफाई नहीं है। JBM कंपनी ने टेंडर की शर्त रखी थी अपनी, भाई हम आकर किसी और को टेंडर नहीं दे सकते जहां पे इनके साइन हो रहे हैं, ये टेंडर की शर्त थी। लेकिन आगे उन्होंने पूजा कंपनी के नाम से आगे टेंडर जारी कर दिया है आगे से आगे, मतलब कंपनी जो है नियमों का पालन नहीं कर रही है। सरकार तो कर ही नहीं रही है, कंपनी भी नहीं कर रही है, तो उसका टेंडर क्यों नहीं रद्द किया जाए? अगर उसका टेंडर पहले रद्द हो गया था, वर्क ऑर्डर रद्द हो गया था, तो करोड़ों रुपए उसको क्यों दिए गए हैं फिर? इन सारी बातों का जवाब विधायक को देना चाहिए था कल ही कॉन्फ्रेंस में।
मुझे उम्मीद थी कुछ इन विषयों पर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार से ऐसे टॉपिकों को छेड़ना पसंद नहीं किया। और जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो विधायक साहब भाग खड़े हुए वहां से। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल जो चल रहा है कि हर सड़क पर हम लोग जाकर देखते हैं आवारा पशु मिलते हैं दुनिया भर के। डेली अखबार में खबर आती है आज उसकी डेथ हो गई, आज उसका एक्सीडेंट हो गया, आज उसका ये हो गया। इसके ऊपर क्या स्टैंड है विधायक का, पार्टी का क्या स्टैंड है, कब उनको पकड़ेगी, उसके बारे में विधायक क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों उसके बारे में विधायक मौन हो जाते हैं बिल्कुल। रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार के मुद्दे के ऊपर विधायक ने कल एक वर्ड भी नहीं बोला। हमारे शहर को ना इतने बड़े बड़े फ्लाईओवरों की जरूरत नहीं, उससे पहले रोजगार की जरूरत है हमें। हमारे जो युवा भाई बहन है ना जो सुसाइड करते जा रहे हैं नौकरियां ना होने की वजह से, पहले उनको ना दो टाइम की रोटी के लिए नौकरी की जरूरत है, उनको ना फोर लाइन की जरूरत नहीं है फिलहाल, पहले उनके लिए वो काम करो। इसके अलावा सर्दियां आ गई हैं, लास्ट ईयर में हमने देखा था कि हमारा शहर पॉल्यूशन में बहुत आगे पहुंच गया था, लोगों का दम घुट रहा था, बहुत बुरा हाल हो गया। उसमें से सर्दियां आ गई हैं, विधायक साहब का क्या प्रोग्राम है, अब की बार भी लोगों का दम घुटना है, अब की बार लोगों के फेफड़े जलाने हैं, क्या स्टैंड है उसका, इस बारे में स्पष्ट करो। पानीपत टॉप 10 पोल्यूटेड शहर में आ गया था पिछले साल, पिछले विंटर में सीजन में, उसके बारे में जवाब दे। बढ़ते अपराध पर विधायक चुप है, बाबरपुर में 2.5 करोड़ की विरोती मांगी थी, कल परसों भी 2.5 लाख की मांगी थी, और भी रोज के नए केस है, रोज लूटपाट चोरी चकारी सब कुछ चल रही है। विधायक ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोला। महिला सुरक्षा पर विधायक चुप है, रोज रेप की घटनाएं आ रही है, पानीपत।